सऊदी अरब की अल आयत कंपनी की वीजा गई हुई इंडिया में, और इसका क्लाइंट इंटरव्यू दिल्ली में 10 और 11 तारीख को होने वाला है। और इसके क्लाइंट इंटरव्यू में कौन कौन सी कैटेगरी है और किस कैटेगरी में कंपनी आप लोगों को कितनी सैलरी प्रोवाइड कराएगी, और क्या इस कंपनी में एक्चुअल में आप लोगों को ओवर टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, या ट्रिप सिस्टम इसमें अवेलेबल है या नहीं है, और इसमें जो कैंडिडेट को हायर करेगी उसकी एज लिमिट क्या होगी, सारी डिटेल्स में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप ये वीडियो देख रहे हैं वीरेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर। सऊदी अरब की अल आयत कंपनी लगभग 20 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और इस कंपनी का जो मेन काम है वो है कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का, यानी ये दोनों ही कैटेगरी में कंपनी काम करती है। और अभी जितनी भी कैटेगरी में आप लोगों को इस कंपनी की बताऊंगा वैकेंसीज, अगर आप लोगों की कोई भी कैटेगरी है तो डेफिनेटली आप लोग दिल्ली में 10 और 11 तारीख को इस कंपनी में अपना इंटरव्यू करा सकते हैं। कंपनी काफी बड़ी है और काफी अच्छी भी है, काफी अच्छे रिजल्ट इस कंपनी के देखने के लिए मिले हैं। तो यहाँ पे नंबर वन कैटेगरी की बात करते हैं तो है यहाँ पे हैवी ड्राइवर, जितने भी भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइट ड्राइवर जितने भी भाई हैं वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेवल ऑपरेटर जितने भी भाई हैं वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोकलेन ऑपरेटर जितने भी भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक जितने भी भाई हैं वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो इलेक्ट्रिशियंस हैवी व्हीकल्स वाले जितने भी भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो स्प्रे पेंटर जितने भी भाई हैं वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टायर मैन यानी पंचरी का काम जो लोग भी जानते हैं, पंचर लगाने का, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ब्लैक स्मिथ जितने भी भाई हैं फोर टैंक वाले वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टैंकर वेल्डर जितने भी भाई हैं वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैटरिंग कारपेंटर के काम में जितने भाई जाना चाहते हैं वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैसन ऑलराउंडर कैटेगरी वाले जितने भी भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर के काम में जितने भी भाई अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियंस जितने भी भाई हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टील फिक्चर्स यानी जाल बांधने के काम में जितने भी भाई जाना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और हेल्पर यानी लेबर के काम में जितने भी भाई जाना चाहते हैं वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल मिला के इस कंपनी में इंटरव्यू जो होगा उसमें 16 कैटेगरी है, तो अगर इनमें से कैटेगरी आप लोगों की तो डेफिनेटली ट्राई करो। और इस कंपनी में 8 घंटे की ड्यूटी करनी होगी आप लोगों को, ओवर टाइम कंपनी ने यहाँ पे मेंशन करके दिया है, और चलता भी। अगर आप लोग ट्रांसपोर्टेशन में काम करोगे मतलब ट्रांसपोर्ट लाइन में, तो वहां पे आप लोगों को ट्रिप सिस्टम अवेलेबल मिलेगा, वहां पे मतलब ट्रिप सिस्टम आप लोगों को मिलेगा। अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड वगैरह सारी चीज सुविधा कंपनी आप लोगों को अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराती है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स की एज लिमिट सेट की है कंपनी ने, वो कम से कम 22 साल होनी चाहिए आपकी एज, और ज्यादा से ज्यादा 40 साल से ज्यादा वाले जितने भाई है वो इंटरव्यू में ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि कंपनी ने पहले ही मेंशन कर दिया है 40 से ज्यादा एज वालों को कंपनी नहीं लेगी। तो अगर आप लोगों की कैटेगरी है तो 10 और 11 तारीख को इस कंपनी में आप ट्राई करो। कंपनी काफी बड़ी भी है और काफी अच्छी भी है, आप लोग इसको हर जगह पे चेक कर सकते हो। काफी बड़ी मतलब लिमिटेड कंपनी है और पिछले 20 साल से ये कंपनी काम कर रही है कंटिन्यूली इन सभी कैटेगरी में। और इस कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू दिल्ली में होगा, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन आप कैसे और किसके थ्रू ये इंटरव्यू कराओगे, कहाँ पे ये इंटरव्यू आया हुआ है, ये सारी डिटेल में हम लोग अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये ऑलमोस्ट दिल्ली के बहुत सारे ऑफिसों में बहुत सारे एजेंट लोगों के पास ये वैकेंसीज आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आपकी पहचान का ट्रस्टेबल कोई भी बंदा है, ऑफिस वाला हो चाहे वो ट्रस्टेबल कोई अच्छा एजेंट हो, जिसको आप ऑलरेडी पहले से जानते हो, जिसपे आप यकीन करते हो, जो आपके साथ स्कैम फ्रॉड ना करे, उसके थ्रू आप लोग डेफिनेटली अपना इंटरव्यू करा सकते हो, क्योंकि उसके साथ आप लोगों के फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं, जिसको आप ऑलरेडी पहले से जानते हो। अगर आपकी पहचान का कोई भी नहीं है जिसके पास ये इंटरव्यू आया हुआ है, तो आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन से एक बार चेक कर सकते हैं, वहां पे आप लोगों को आपकी हेल्प पर्पस के लिए कुछ ऑफिसों के नंबर मिल जाएंगे, जिनके थ्रू आप लोग डायरेक्ट अपना क्लाइंट इंटरव्यू करा सकते हैं और इस कंपनी में जॉब करने के लिए आ सकते हैं। तो बस यार फिलहाल के वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मोस्टली उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना जिन लोगों को पता नहीं चलता अच्छी कंपनी के क्लाइंट इंटरव्यू कहाँ पे आते हैं, कब आते हैं और कौन कौन सी वैकेंसी आती है, ताकि उन लोगों को भी रियलिटी के बारे में पता चल सके और वो भी एक अच्छी कंपनी में जा सके, अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बना सके। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।